आज जिसके पास देखो तबसरे हो रहे कि भाई फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलस्तीन में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जो करने के काम है वो करने को तैयार नहीं। भाई तुम उस इसराइल की मुखालिफत में अपने नफ्स के खिलाफ तो लड़ सकते हो, शैतान के खिलाफ तो लड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम बंदूक लेकर निकलो। उसकी मुखालिफत का तरीका यह है कि तुम उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी मसनूआत को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते, उनके बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। बताइए कितने मुसलमान हैं, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी बेहिसी आ गई कि शादियों में देख लो कितनी फजूल खर्ची हो रही है। वहां भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सही पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग पानी का जिया कर रहे हैं, खानों का जिया कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे उन पर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह न करे हम पर ऐसा जुल्म हो, अगर हम इसी बेहिसी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो कोया के ऐसा वक्त आ सकता है कि हुकूमत हम पर जुल्म करे और सारी दुनिया वाले हमारा तमाशा देखें। हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं और बददुआएं कर रहे हैं, कोस रहे हैं हुकूमतों को और आलम इस्लाम। जो करने के काम है मेरे भाइयों, उसको जब तक नहीं करोगे ऐसे ही तमाशा दुनिया में होता है। हर एक आदमी अपनी जिंदगी का मालिक है और कुरान करीम बतला रहा है कि सब अपने नफ्स के खिलाफ, शैतान के खिलाफ लड़ें। सिर्फ लड़ना यह नहीं है कि तलवार लेके मैदान में निकल जाओ, जब उसका मौका आएगा, जब देखेंगे हम यहां अपने नफ्स और शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और तलवार उठाकर लेने को जबाने निकाल लें। मेरे नौजवानों, हालात को समझो, कुरान करीम के पैगाम को समझिए, उलमा की बातों को सुनिए। हमारे लिए जहां दुआ करने का मौका है वहीं हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि कितने तौर तरीके हम उन्हीं जैसे गुजार रहे हैं, उन्हीं जैसी शक्लें बना रहे हैं, उन्हीं जैसे बाल रख रहे हैं, उन्हीं जैसे लिबास पहन रहे हैं। जब हम सारा काम उन्हीं जैसा कर रहे हैं तो हम हमारी बददुआएं उन पर क्या असर करेंगे? हमारा रहन सहन उन्हीं के तरीके के जैसा है, उनकी मसनूआत हम बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया के हम अपनी रकम उनको दे रहे हैं उनकी मसनूआत इस्तेमाल करके, और वो हमारी रकम से मजलूमों पे बमबारी कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, गोया के हम शरीक हो रहे हैं।